नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैराग्राफ जैसे यहाँ पर देखिए पैराग्राफ आप सीख लीजिए तो एमएस वर्ड को बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पैराग्राफ में सीखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ टैब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पैराग्राफ में सबसे पहले क्या ऑप्शन है, बुलेट्स का। तो बुलेट्स क्या होती है, जैसे मैं एक बुलेट्स यहाँ पर चेंज कर ले, इसका क्या यूज होता है, अब देखिए। गौरव मारेंगे इंटर, कंप्यूटर मारेंगे इंटर, इस तरह से। अगर आपको बुलेट चेंज करना है, जो आपको बुलेट चेंज करना है, इसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, फिर जो आपको पसंद है बुलेट्स आप यहाँ पर इसे लगा सकते हैं। ये भी पसंद नहीं है तो यहाँ से ही लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं जो पसंद है। अब हम लोग ये बुलेट्स यहाँ तक, ये वाला ठीक है, फिर यहाँ के बाद चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मारेंगे इंटर, स्पेस मारेंगे, ठीक है, सॉरी बैक स्पेस मार रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर मारेंगे इंटर, बैक स्पेस मार रहे हैं। और यहाँ से कोई देखिए मारेंगे इंटर, बैक स्पेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई भी अपना चेंज कर लेना, फिर यहाँ पर लिखना है, फिर इंटर मारेंगे, फिर लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर लिखेंगे। तो आप देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसी के नीचे हम आते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है, प्रॉपर्टी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चेंज लिस्ट लेवल। अब यहाँ पर हमने ऐसे हम क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ के हमको अभी यहाँ पर इस तरह से बुलेट्स लग गया, ठीक है। यहाँ पर इंटर जब मारेंगे, इंटर मारकर बैक स्पेस, फिर यहाँ से गए बैक स्पेस, और फिर यहाँ पर आके डिफाइन न्यू बुलेट्स ले सकते थे। पहले हमको लेना है चेंज लिस्ट लेवल, तो आगे चेंज लिस्ट लेवल को समझ लेते हैं। यहाँ से आप इस पर कोई इस तरह से आगे बढ़ के आप ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जरूरत कि आज हम बढ़ के ले, तो बढ़ के आप आगे ले सकते हैं। इसको चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ और फिर यहाँ पर इंटर क्लिक करता हूँ। समझते हैं हमको चेंज लिस्ट लेवल, समझ गए चेंज लिस्ट लेवल का क्या मतलब होता है। कि अगर आपको बढ़ के लिखना चाहते हैं तो चेंज लिस्ट से आप बढ़ के आएंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप कुछ लिखिए और इंटर मारिएगा, तब यहाँ से कुछ लिखिएगा। उसी के नीचे आते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स, ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर से, अब यहाँ पर इसमें से हमको कोई पसंद नहीं आया। देखिए आपको बताते हैं, इसमें से हमको इतना चीज़ें पसंद नहीं आ रहा है कि और नया बुलेट्स में मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे, इस पर आने के बाद देखिए सेम बुलेट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे। ऐसा आप हिंदी में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, इस तरह से बुलेट्स ले सकते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ ऐसा भी बुलेट्स ले सकते हैं, तो फिर कीजिएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। और देखते हैं और अच्छा अच्छा बुलेट्स हैं, यहाँ से नीचे करके आपको देख लेना है। देखिए बहुत सारा और आ गया, टेलीफोन हैंड ये सब ले लेना चाहते हैं, इस तक ओके कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर इसी में आते हैं बुलेट्स में, अब देखिएगा, अब हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए सब पिक्चर वाला। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको पिक्चर वाला चाहिए, क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो देखिए पिक्चर वाला आ गया। जैसे इंटर मारेंगे तो पिक्चर वाला आपको लग जाएगा, ये पिक्चर वाला हो गया। फिर हम लोग आएंगे, फिर बुलेट स्टाइल में आएंगे, पिक्चर वाला हमको हो गया। अब हमको पिक्चर वाला पसंद नहीं, हमको अब पसंद नहीं है तो यहाँ से चेंज करेंगे, कोई और भी आपको पसंद है तो ऐसा करके आप ओके करके आप चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस सब को मैं अभी करता हूँ डिलीट लेते हैं। अब हम लोग एक बुलेट्स यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर फिर आएंगे और डिफाइन न्यू बुलेट्स में आएंगे। अब फ़ॉन्ट में आ जाएंगे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट का बुलेट्स का प्रीव्यू है, यहाँ से आप बुलेट्स चेंज कर सकते हैं। देखिए नीचे चेंज हो रहा है, देखिए नीचे चेंज हो रहा है, जो भी आपका पसंद है नीचे इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं बुलेट्स को। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपको चेंज कर सकते हैं। अभी हमको ये पसंद नहीं था, फिर फ़ॉन्ट में आएंगे, ठीक ना। यहाँ से क्या है, आपको फ़ॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। इसका यहाँ पर देखिए एडवांस, इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी चलते इसी में। अब देखिए यहाँ से इसका साइज, ठीक ना, बोल्ड कर दिए। अब इसका हम लोग बुलेट्स का हम लोग बढ़ाएंगे, इसका कुछ बुलेट्स का आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको बोल्ड कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। यहाँ से आपको कलर ले सकते हैं बुलेट्स का कलर, यहाँ बुलेट्स का अंडरलाइन लगा सकते हैं। यहाँ पर ये अंडरलाइन का कलर, इसका देखिए नीचे का, यहाँ से यहाँ देखिए अगर स्ट्राइक थ्रो काटा, यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रो की जगह डबल लाइन काटेगा। ये सब स्क्रिप्ट बताए थे ऊपर में हो जाता है, ये नीचे में हो जाता है। कोई भी बुलेट्स लिए हैं तो आपको ऑल कैप्स हेड, ये सब आपको पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था। अगर जो भी आपको पसंद आ जाता है तो यहाँ से हम ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए इस तरह से आपका बुलेट्स बन जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, बुलेट्स में टोटल हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, हमको ऐसा बुलेट्स चाहिए जैसे एक दो तीन रहे या ए बी सी डी रहे। तो देखिए एक दो तीन हो गया, इंटर मारेंगे तो यस, हमको एक दो तीन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोमन अंक में तो रोमन अंक कर सकते हैं, हमको चाहिए ए बी सी डी में तो ए बी सी डी कर सकते हैं। जो भी हम आपको चाहिए वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से एक दो तीन हो गया, इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे, और नहीं सॉरी बैक स्पेस मारेंगे, जैसे बैक इंटर मारें, बैक स्पेस मारें, बैक स्पेस मारें, बैक स्पेस मारें, और यहाँ से हम फिर ए बी सी डी अब चेंज करना चाहते हैं, ए बी सी डी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अब हम लोग आते हैं नीचे, और इसी प्रकार आपको देखिए आगे बढ़ते इसमें आप लिखिएगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, ठीक है ना। आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपका ए बी सी डी है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आने के बाद फिर आपको आ जाते हैं डिफाइन न्यू, ये तो आपको बताएं यहाँ से आगे से बढ़ के लिखते हैं, जैसे देखिए आगे से बढ़ के लिखा कंट्रोल जेड किए और इसके नीचे आते हैं न्यू कर दीजिए, जैसे कि मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाइए ए बी सी डी, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मेट ले लीजिए, ओके। तो आप देखिए फिर एक दो तीन यहाँ से फिर आपको चालू हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या आ गया, देखिएगा सेट नंबरिंग, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेट, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं 10 से, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 से हो गया। अब यहाँ पर मारेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे कुछ, फिर मारेंगे इंटर तो फिर आपको स्टार्ट हो जाएगा 11। हम चाहते हैं कि आप बड़ा स्टार्ट हो गए 100 से, 100 से अब मारेंगे तो देखिएगा 100 से हो जाए, फिर मारेंगे तो 101 हो जाएगा।
इस तरह से इसको यूज में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल आपको मैंने बता दिया और यहाँ से इसको करेंगे क्लोज। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमको पास आते हैं मल्टीपल लिस्ट। मैं यहाँ से फोन को बड़ी कर लेता हूँ। बड़ी करने के बाद यहाँ से मैंने लिख लेता हूँ, एक बुलेट्स ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर लिख लिए। अब कंप्यूटर के अंदर हमको कुछ और लिखना है, वन कंप्यूटर के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद मल्टीपल लिस्ट में जाएंगे और मल्टीपल लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटर मार्केट टैब प्रेस कर देंगे। देखिए जैसे टैब प्रेस कर दिए तो आप देखिए कंप्यूटर के बारे में आ गया। तो कंप्यूटर के बारे में कुछ और आप लिख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं और फिर इंटर मारेंगे। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर ही आपको आ रहा है, कंप्यूटर के अंदर ही आपको ये चीज आ रहा है, यानी कि वन के अंदर ही वन आ रहा है। फिर यहाँ पर कि यहाँ से फिर लिखेंगे कंप्यूटर इज ऐसे करके कुछ लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे तो कंप्यूटर के अंदर ही आ रहा है। तो फिर इसमें कुछ और आप लिख सकते हैं, कुछ और फिर इसमें आप लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि आप फिर टू लाइन आ जाए, तो फिर यहाँ से टू लाइन आ जाए तो आप यहाँ से क्या कीजिए, आप कर दीजिए डिलीट, बैक स्पेस मार दीजिए और मारने के बाद यहाँ पर फिर टू लिखिए और इंटर मार दीजिए। अब यहाँ टू के नाम से फिर आपको शुरू होगा, जैसे टू में फिर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे टू में फिर कुछ आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटर मारिएगा, इंटर मारने के बाद आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर फिर आप टू देना चाहते हैं तो टू भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ से टू आ गया। अब फिर यहाँ पर कुछ और नाइन लिखिए, फिर इंटर मारिए, फिर अगर टैब प्रेस कर दीजिएगा फिर देखिए टू वन के नाम से फिर आ गया। तो फिर यहाँ पर कुछ और लिखिए, फिर मारिए इंटर, तो इस तरह से आप दे सकते हैं वन के, ये आपको वन के अंदर इतना आ गया, टू के अंदर आ गया, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ हेडिंग इसका चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हेडिंग चाहिए इस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से आप बदल बदल के देख सकते हैं। जस्ट फिर वहाँ पर भी वही चीज़ आता है जो मैं आपके पीछे में आपको मैं बताया। अब यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं, इसको हम लोग कलर को थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं जैसे स्पष्ट नज़र आए, फोन को बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंक्रीज इंडियन, ठीक है, इंक्रीज इंडियन ऐसे जाएगा, इसका नाम क्या है डिस्क्रीज इंडियन से ऐसे जाएगा, इंक्रीज इंडियन से ऐसे आएगा, इससे ऐसा आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अब इसको मैंने सीधे में करता हूँ डिलीट, अब इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन क्या है शॉर्ट का, तो शॉर्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।